मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फ्लाइंग कार आने वाली है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, ये यूँ कह लूँ मैं, क्योंकि जो कंपनी है जो फ्लाइंग कार बनाई थी उसने ये कहा था कि हम 2030 तक फ्लाइंग कार को आम जनता के लिए अवेलेबल करा देंगे। तो इससे रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन और लेके आया मैं, काफ़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है कि अब फ्लाइंग बाइक आ चुकी है लोगों के लिए, जो कि दुनिया की पहली ऐसी फ्लाइंग बाइक है जिसकी स्पीड और कीमत सुन के आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा, इस वीडियो को पूरी एंड देखना अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा और जानना है, थोड़ी क्यूरियोसिटी है, तो इस वीडियो को पूरी एंड देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी दिखे। जो 90s के किड है उनको पता होगा कि टीवी पे एक कार्टून आता था, कार्टून नेटवर्क पे या किसी एक पर्टिकुलर चैनल में, मेरे को नाम याद नहीं है चैनल का, उस पर आता था एक द जेटसन करके। उसके अंदर हम सभी ने देखा था कि रोबोट और जो फ्यूचर की दुनिया है उसमें वो उस चीज़ को डिपिक्ट किया था, मतलब प्रिडिक्ट किया था कि हम फ्यूचर में ये चीज़ होंगी। और उसके अंदर फ्लाइंग कार कॉन्सेप्ट भी था, फ्लाइंग बाइक का भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन इंसान ने अब उड़ने वाली कार से आगे बढ़ के फ्लाइंग बाइक तक की तरक्की कर ली है। दुनिया की पहली ऐसी बाइक बहुत जल्द आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसी कौन सी कंपनी जिसने फ्लाइंग बाइक बना दी और ये लोगों को अवेलेबल कराने वाली है। तो मैं बता दूँ, ये जापान की कंपनी है, ALI टेक्नोलॉजीज़ है, या मैं अली टेक्नोलॉजीज़ कह लूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हो। इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट था वो ड्रोन सेक्टर का था, मतलब मैक्सिमम ये ड्रोन बनाती थी, लेकिन साथ साथ ही काफ़ी समय से फ्लाइंग बाइक के ऊपर काम करी थी। अब कंपनी ने इस पर सक्सेस हासिल कर लिया है और उसने अपनी पहली बाइक एक्स टूरिस्मो का लिमिटेड एडिशन लेकर हाजिर हुई है। कंपनी ने इसी महीने इस बाइक का जो टेस्ट है, मतलब सक्सेसफुल टेस्ट है, वो कर लिया है, मतलब अब ये लोगों के लिए परफेक्ट है, मतलब कोई भी क्रैश, कोई भी फेलियर, कोई भी मॉल फंक्शन नहीं होगा इसके अंदर फिलहाल, अभी तक तो कंपनी ने ये कहा है। बाकी ALI टेक्नोलॉजी की फ्लाइंग बाइक एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशन कई मायनों में खास है। इसकी जो लंबाई है 3.7 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर है और ऊंचाई 1.5 मीटर की है। हालांकि अभी ये बाइक सिर्फ सिंगल सीटर है, मतलब एक ही बंदा बैठ सकता है। उसका जो टोटल वेट है बाइक का, फ्लाइंग बाइक का, वो 300 किलोग्राम का है। और कंपनी का ये कहना है कि अभी की जो कंडीशन है, मतलब अभी जो उन्होंने टेस्ट किया है उसके हिसाब से बता रहे हैं वो, कि इसकी जो फ्लाइट है, मतलब जितनी देर के लिए फ्लाई कर सकती है, वो है 30 से 40 मिनट की। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी फ्लाई करने की वो होगी 100 किलोमीटर/घंटे की। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ये अभी अवेलेबल है, क्या हम इसे बुक करा सकते हैं और इसकी कीमत कितनी है। तो रुको ज़रा, सब्र करो, बताता हूँ मैं। तो जो ALI टेक्नोलॉजीज़ है इसने अपनी एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशन की बुकिंग स्टार्ट कर दी है, अगर आप लोग चाहो तो बुकिंग करा सकते हो। और कंपनी का कहना है कि अगले साल जून से इसकी पहली डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, मतलब अभी जो इसकी बुकिंग कराएगा उसको जून में डिलीवरी मिल जाएगी। और इसकी जो कीमत है विद टैक्सेस वो है 5.10 करोड़ रुपये, मतलब ये सिर्फ मामूली रकम है 5.10 करोड़ रुपये आपको फ्लाइंग बाइक के लिए। और कंपनी ने अभी सिर्फ इसकी सिर्फ 200 यूनिट बनाई है। तो भैया आप तो फ्लाइंग कार के बाद फ्लाइंग बाइक भी आ गई जिसकी कीमत सिर्फ 5 करोड़ रुपए के आसपास है, वो भी विद टैक्सेस। तो बाकी अगर ये इंडिया में आती है या कंपनी ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी करती है या ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग चाहो तो मेरे को वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को ओके इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। तो बाकी इस वीडियो को सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेटेरियल होगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।